मत संख्या 69 माननीय उच्च शिक्षा मंत्री। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके अनुज्ञा से यह प्रसंग ये उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर विचार किया जाए। अध्यक्षता महोदय, माननीय योगी जी की सरकार ने मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए चिकित्सा और शिक्षा दोनों पर विशेष ध्यान दिया। उच्च शिक्षा अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति भी उसका लाभ ले सके, इसके लिए प्रत्येक मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय खुले और प्रत्येक जिले में। लेकिन इससे पहले यह चिंता रही थी आपकी कि आप एक विश्वविद्यालय खुलता था, मानी राकेश जी अधिनियम बनाता था, मानी राकेश जी उस अधिनियम के अंतर्गत राकेश बैठ जाए, विश्वविद्यालय अपने अपने चलते थे। लेकिन योगी जी की सरकार ने 2019 में एक ऐसा अधिनियम बनाया जिस जो कि अम्ब्रेला का काम कर रहा है सभी विश्वविद्यालय, उस निजी विश्वविद्यालय उस अधिनियम के अंतर्गत काम करेंगे और एक रूपता और एक यूनिफॉर्मिटी हर विश्वविद्यालय में आएगी। वह उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 ये अनोखा एक्ट हमारी सरकार ने यानी योगी जी की सरकार ने इस प्रदेश को दिया। उसी के अंतर्गत जब कंपटीशन बढ़ेगा शिक्षा में, निजी विश्वविद्यालय आएंगे तो सरकारी विश्वविद्यालय का भी स्तर ऊंचा होगा और निजी विश्वविद्यालय का भी होगा। उसका सुपरिणाम भी सामने आ रहा है कि जब पिछली सरकारों में एक भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं था जो कि नैक रैंकिंग में बी प्लस श्रेणी का भी हो। अधिष्ठाता महोदय, अब इस साल 5 विश्वविद्यालय सरकारी ए डबल प्लस में आ चुके हैं नैक रैंकिंग में। यह उपलब्धि है, यह कंपटीशन का युग हो गया। जब निजी विश्वविद्यालय और सरकारी विश्वविद्यालय दोनों फील्ड में आए हैं तो दोनों जगह स्तर बढ़ रहा है और इसी तरह निजी विश्वविद्यालय 5 ऐसे बन गए जो ए डबल प्लस श्रेणी में है। अभी सरकारी विश्वविद्यालय 5 ऐसे हैं जो उस दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, या तो ए प्लस या ए डबल प्लस रैंकिंग प्राप्त कर लेंगे। तो यह योगी जी के उस संकल्प का परिणाम है कि उच्च शिक्षा को स्तर भी उच्च करना और अंतिम छोर तक भी पहुंचाना। तो उसी के तहत उत्तर प्रदेश में 3 नए विश्वविद्यालय जुड़ रहे हैं। अग्रवन हेरिटेज विश्वविद्यालय आगरा, महावीर विश्वविद्यालय मेरठ और SDGI ग्लोबल विश्वविद्यालय गाजियाबाद, ये नए विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। इनको इस जो उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 है इसमें शामिल करने के लिए 31, 32, 33वें नंबर पर इसको शामिल किया जाए। ये एक प्रस्ताव है जो मैं प्रस्तुत करता हूं आपके सामने और ये सदन से मांग करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। जी मलिक जी बोलेंगे।